भोपाल में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 11 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। अवैध शराब मामले में आबकारी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। भोपाल में आबकारी पुलिस ने अवैध शराब मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी कोहेफिजा, 2 आरोपी भोपाल स्टेशन और 1 लाल घाटी से गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग इन आरोपियों से करीब 11 लाख की शराब जब्त कर चुका है। इसके साथ ही एक एक्टिवा और टाटा टियागो कार भी जब्त की गई है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी हरियाणा से ट्रेन में शराब लाते थे। मामले में आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी उस पर कार्रवाई की गई। कल शाम को यह अभियान प्रारंभ था, हालांकि पिछले 3 दिन से इसकी तैयारी की जा रही थी। शाम को अभियान प्रारंभ किया गया और कल 3 महत्वपूर्ण केस कायम किए गए, जिसमें भारी मात्रा में हरियाणा से लाई गई शराब और एक जगह उस शराब में मिक्सिंग भी पाई गई है, मिक्सिंग करते भी पाया गया एक केस इस प्रकार का भी बना है। जो पहला केस बना है वो रेलवे स्टेशन से लेकर आ रहा था और उसके अंदर 70 बोतल थी, 52 बल्क लीटर थी। ये जब्ती की कार्रवाई पहली कार्रवाई हुई थी। दूसरी टीम लगातार काम कर रही थी, जिनको अपने सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी उनने भी कार्रवाई की। उनको 145 बोतल लगभग 108 बल्क लीटर शराब प्राप्त हुई, जिसमें हरियाणा और मध्य प्रदेश की शराब थी। यह केस ब्रत 6 द्वारा बनाया गया है। पहला वाला केस ब्रत 1 द्वारा बनाया गया है। तीसरे वाले केस में जो टीम ने कार्रवाई की है वो कोहेफिजा क्षेत्र में कार्रवाई हुई है, उसमें एक एक्टिवा जब्त हुई है। दूसरे केस में बता दूं कि एक टियागो गाड़ी जब्त हुई है और काफ़ी अच्छे ब्रांड भी उसमें मिले हैं, रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट, ब्लैक एंड वाइट, 100 पाइपर, रेड लेवल, ये सब हरियाणा की थी जिनकी मिक्सिंग की जा रही थी। और इन तीनों केसों में एक कार टियागो, एक एक्टिवा और जो लगभग 24 पेटी शराब की जब्ती हुई है, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए होती है, और 3 धारा 50 धारा 34-2 के 3 केस जो कि 50 बल्क लीटर पर कायम होते हैं या उससे अधिक की मात्रा पर होते हैं कायम की गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।